आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। हमारे साथ इस संबंध में चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री ओमकार शर्मा जी हैं। हम उनसे जानते हैं और चर्चा करते हैं इस संबंध में वो क्या कहना चाहते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज न्यूज में। क्या है ये जो भारत देश है, ये गंगा जमनी संस्कृति का प्रतीक भी है और हर संस्कृति को यहाँ पलने बढ़ने का अधिकार दिया गया है। साथ ही इससे पहले जो सरकार रही, धर्म के प्रति जागरूक कम थी। धर्म का मतलब भी लोग ये समझते हैं केवल पूजा पाठ है, धर्म का मतलब है नियम कानून कायदे जो सभी पे एक समय में एक से लागू हो, वो धर्म है। अब जैसे मोदी जी है, इसके बारे में मैं केवल ये कहूँगा, हमारे यहाँ शास्त्रों में कुछ कोटेशन आए हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करोगा, या तो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। तो मोदी जी के बारे में तो यही कहना है कि धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। धर्म भी क्या है, सबके साथ एक समान कानून और कायदे वे लागू कर रहे हैं, जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। जो बगैर भेद के कार्य कर रहा है वो धार्मिक ही कार्य है। और आज स्थिति ये है, अब तो ऐसा लग रहा है कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी वो गली गली मेरे भारत की वृंदावन कहलाएगी। अब लोकसभा बसंती चोला पहन चुकी है लगभग 10 सालों से, अब दोबारा फिर पहनने वाली है और ये भारत वंश निश्चित ही वृंदावन कहलाएगा, विश्व गुरु बनेगा। हमारे मोदी जी पूरे विश्व के अंदर छाए हुए हैं, उनके विचारों से सारे लोग प्रभावित हैं। और मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि मोदी जी 10 साल से सेवा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, तो मात्र हमसे वो एक वोट की कामना करते हैं। इस राष्ट्र को अगर आप परम वैभव के शिखर पर ले जाना है, इस भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाना है, मोदी जी को भी वोट कीजिए। धन्यवाद, जय जय श्री राम। बहुत अच्छे, आपने कहा कि हम 400 नहीं 500 पार ले जाने की दम रखते हैं और इसी में हम लोग लगे हुए हैं। हम चर्चा करते हैं, एक बार हमारे साथ मंडल के महामंत्री श्री संजू बनारसी हैं, उनसे जानते हैं कि वे बैठक के बारे में क्या कहना चाहेंगे। बनारसी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आवाज न्यूज में। आप बता सकते हैं इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है, आप जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपका भी हमारी बैठक में आज स्वागत है। कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री ओमकार प्रसाद शर्मा जी ने एवं हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री विभूर नायक जी ने आपको सब बता दिया है कि हम लोग किस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और 400+ सीट के लिए हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।